जय माता दी। माँ चंद्र घंटा नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित है। इस दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जाती है। असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने इस रूप को धारण किया था। माँ चंद्र घंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्र घंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। तो आइए जानते हैं माँ से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर वार किया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। माता को लाल चुन्नी, लाल चंदन और लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं। इससे माता जल्दी प्रसन्न होगी और मनचाही इच्छा को पूरा करेगी। माता को पीले गुलाब और सफेद कमल की माला अवश्य पहनाएं। माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए पूजा के वक्त घंटा और ढोल नगाड़े जरूर बजवाएं। अगर इस दिन कुछ अद्भुत होने की अनुभूति होती है तो फिर उस पर ध्यान ना देकर आगे की साधना पर ध्यान देना चाहिए। माँ चंद्र घंटा को दूध या दूध से बनी मिष्ठानों का भोग लगाना चाहिए और गुड़ एवं लाल से भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये माता को बहुत प्रिय हैं। माँ को भोग लगाने के बाद खुद भी भोग ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। इससे वर्तमान में चल रहे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं, उनमें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद देती हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। नवरात्र का यह तीसरा देवी का व्रत आपकी करे हर मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण, आप रहे खुश और जिंदगी में ना आए कोई विपदा। इसी शुभकामनाओं के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।